ये एक सोर्स ऑफ साउंड है, एक सायरन लगा हुआ है एक साइकिल के साथ, और अब ये साइकिल तेजी से हमारी तरफ आती है और हमसे दूर जाती है। साइकिल का सायरन हमेशा बजता रहता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमेशा एक जैसी ही रहती है, लेकिन हमको कैसी अपीयर होती है, कभी तो ये आवाज हमारे लिए पतली हो जाती है। अब देखिए, जब ये हमारे पास आती है तो हमको लगता है कि ये आवाज पतली हो गई, और जब दूर जाती है तो लगता मोटी हो गई। इस तरह से जब भी कोई सोर्स ऑफ साउंड हमारे पास आता है, उसमें रिलेटिव मोशन होता है, हमारे नजदीक आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, और जब दूर जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमको कम अपीयर होती है। साइकिल का सायरन उसी फ्रीक्वेंसी से बज रहा है, सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोर्स की फ्रीक्वेंसी वही रहती है, लेकिन जब हमको सुनाई पड़ती है तो ये फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाती है। जब सोर्स नजदीक आता है तो ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती, और जब सोर्स दूर जाता है तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। साउंड की फ्रीक्वेंसी से आप ये पहचानते हैं कि साउंड पतला है या मोटा है, साउंड पतला हो रहा है या मोटा हो रहा है, इस चीज को पहचानते हैं। किस तरह से? देखिए, एक बाथरूम में बकेट में हमने नल को खोल के रखा है और वो बकेट भर रही है। आप बाथरूम में नहीं है, बाहर हैं, पर आप उसकी आवाज सुन रहे हैं। आपको पता लग जाता है कि ये बाल्टी अब भर गई है और अब पानी गिरने वाला है, जबकि उसको देख नहीं रहे हैं। इसी तरह से फिल्टर के नीचे हम एक ग्लास रखते हैं, उस ग्लास में पानी भरना शुरू होता है, और जैसे जैसे पानी भरते जाता है उसकी आवाज बदलते जाती है, उसकी आवाज बदलती है और हमको पता लग जाता है कि ये अब ग्लास भरेगा और ये भर गया, अब ये गिरेगा। ये हमको कैसे पता लगता है बिना उसको देखे? हम कोई चीज नोट करते हैं, क्या चीज नोट करते हैं? तो उसमें फ्रीक्वेंसी के चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस हम नोट करते हैं। तो ये चेंजेस दो तरह से हो सकते हैं। किस तरह से चेंज? दो तरह से चेंज हो सकते हैं। एक तो चेंज ऐसा होता है, ये यहां पर पानी की ड्रॉप गिरती है, ये ट्यूब है, यहां तक पानी भरा हुआ है, ये जब ड्रॉप यहां गिरेगी तो इसके अंदर वेव्स उठेंगी और यहां पर स्टेशनरी वेव्स बनाएंगी, उसके रेजोनेंस होंगे और उसकी लंबाई, उसकी फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंड करेगी कि इसकी लेंथ कितनी है। ये आपने पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी और लेंथ का आपस में रिलेशन होता है, वी अपॉन 4L इसकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे जैसे ये वाला ऊपर आते जाएगा, ये लेंथ ऑफ द कॉलम कम होता जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी, आवाज मोटी होती जाएगी, पता लगते जाएगा। दिस इज वन वे हाउ वी कैन नोटिस द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। एक दूसरा रास्ता देखिए, दूसरा रास्ता वो है जो आप अभी सुन रहे थे। अगर आप स्टेशन पर खड़े हैं और कुछ देख नहीं रहे हैं, जैसे कि वेटिंग रूम में, स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठे, एक तरफ से ट्रेन आती है और आकर दूसरी तरफ चली जाती है, आपसे पूछा जाता है ट्रेन किधर से आई और किधर गई, बिना देखे आप बता दो ट्रेन इधर से आई है और इधर गई है, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है। हमको ये एक्सपीरियंस है कि दोनों के साउंड में डिफरेंस होता है। ये किस चीज का डिफरेंस है? ये फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कि आवाज मोटी और पतली इस तरह से होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी से हम उसको नोटिस कर लेते हैं।
तो इसमें आपको पता लगता है कि कार हमारे पास आ रही है और फिर हमारे से दूर जा रही है। ये पास आना और दूर जाना, इसमें फ्रीक्वेंसी का चेंज हो रहा है, पर हम लोगों ने तो ये चीज पढ़ी है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो याद रखिए, एक सोर्स जब एक वेव निकालता है, वेव निकल के बाहर चली गई, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, वो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। एक ऑब्जर्वर जब उसको सुनता है तो उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है? तो आंसर है, यहां से ये जितनी वेव्स निकालेगा उतनी वेव्स इस पर इसके कान में पड़ेगी। अगर इसने एक सेकंड में 10 वेव निकाली तो इसके कान में भी एक सेकंड में 10 वेव्स पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तो इसको 10 वेव, इसको 10 वेव पर सेकंड सुनाई पड़ेगी। अब क्या होता है कि ये आदमी इसकी तरफ चलना शुरू कर देता है, इसकी तरफ चलना शुरू कर देता है और एक सेकंड में यहां तक आता है। लगातार वेव जा रही है। अगर ये यहां खड़ा रहता तो इसकी कान में कितनी वेव जाती? 10। लेकिन इसने क्या किया, चलना शुरू किया और ये एक वेव और दो वेव ये एक्स्ट्रा अपने कान में और डाल दी। अगर इसने ये दो वेव अपने कान में और डाल ली तो अब इसके कान में टोटल वेव कितनी पहुंची? 10 + 2 = 12। क्यों? 10 तो यहां खड़ा था तब भी आ रही थी लगातार, और ये खुद दो कदम आगे बढ़ गया तो इसने ये वेव भी क्रॉस कर ली, ये वेव भी क्रॉस कर ली, ये डिस्टरबेंस भी इसको मिला, ये डिस्टरबेंस भी मिला। तो इसको टोटल कितने डिस्टरबेंस मिले? 12 डिस्टरबेंस मिले। तो इसको क्या लगेगा कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12। जबकि ये अभी भी कितना निकाल रहा है? 10। तो सोर्स ने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, लेकिन इसको कितनी सुनाई पड़ी? 12। इसको हम बोलेंगे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, लेकिन जिसको सुनाई पड़ता है उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा सुनाई पड़ सकती है। अच्छा, अब यही डॉपलर्स इफेक्ट है कि उसको कभी फ्रीक्वेंसी कम सुनाई पड़ती है, कभी ज्यादा सुनाई पड़ती है। और इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि वो चलता है। आगे बढ़ेगा तो उसको कम फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए, नहीं ज्यादा आएगी। आप इसको सोचकर देखिए, ये यहां खड़ा है और ये लगातार ऐसे जा रही है, लगातार जा रही, यही खड़ा है। एक सेकंड में इसको कितनी मिल रही है? 10। ठीक है, अब उसी एक सेकंड में ये जब चीज इसको मिलती है तो इसको डिस्टरबेंस मिलता है। ये पीक यहां पहुंचता है तो इसको डिस्टरबेंस मिलता है। ओके, जब ये वाला, मान लीजिए ये यहां इसको हमने खड़ा कर दिया और ये आगे बढ़ा है, तो यहां पर आएगा, इसको एक डिस्टरबेंस मिला, यहां आया इसको दो डिस्टरबेंस मिले, तो इसके कान में कितनी वेव गई? 2। अब दोनों कान इकट्ठे हो रहे हैं, ये वेव इधर जा रही है, एक सेकंड में 10 बार इसके कान में पड़ेगी, और ये खुद भी इधर दौड़ रहा है, और इसने खुद कितनी पकड़ ली? 2। तो इसके कान में कितनी वेव आई? 10 तो वैसे ही आनी थी जो इसने भेजी, और 2 उसने खुद आगे बढ़ के पकड़ ली। और भी इसके एग्जांपल हैं, एक बच्चा दूसरे को 10 बॉल देता है एक सेकंड ऐसे फेंक के, और वो सामने वाला उसको पकड़ता है एक सेकंड में 10। जब वो एक को पकड़ता है तो बाकी 9 कहां होती हैं? रास्ते में होती हैं, हवा में, एक के बाद एक एक पकड़ते जाता है, वो एक सेकंड में 10 बार पकड़ता है, और जब वो एक को पकड़ता है तो बाकी 9 रास्ते में है। अब ये क्या करता है, पकड़ने वाला आगे बढ़ना शुरू करता है, और आगे बढ़ता है, इसके पास कौन सी बॉल आती है वहां से? 10th बॉल आती है, तो उसको तो ये पकड़ ही रहा है। अब ये क्या करता है, आगे बढ़ता है, 9th और 8th को भी पकड़ लेता है। हर एक सेकंड में वो 2 बॉल एक्स्ट्रा पकड़ लेता है, तो एक सेकंड में उसने कितनी बॉल पकड़ी? 10 तो वो वैसे ही पकड़ रहा था, और आगे बढ़ के उसने 2 और पकड़ ली, तो कितनी पकड़ ली? 12।
इस तरह से ये इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है अगर ये इधर चलता है। उसी तरह से हम उल्टा भी सोच सकते हैं, यहां से वेव इधर जा रही है और यहां से 10 वेव यहां पहुंचेगी तो क्या होता है। देखिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, इसने एक वेव निकाली, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है और ये अपनी जगह पर खड़ा है, तो ये वाले गैप कैसे होंगे इक्वल, इस तरह से इक्वल गैप से ये वेव आगे बढ़ती जाएगी। यहां से इसने निकाला, इसका टाइम पीरियड है टी, टी टाइम पीरियड के बाद इसने दूसरी वेव निकाल दी, एक वेव यहां पहुंचती टी के बाद इतना, फिर टी के बाद इतना, एक टी में इतनी वेव चली जाती है, कितनी दूर चली जाती है, वेव की वेलोसिटी है वी, टाइम लगा टी, तो कितनी दूर चली गई वीटी, वीटी 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 वीटी, ऐसा हर एक के बीच में गैप है। और यहां पर एक लिसनर इसको सुन रहा है, इसको हर टी टाइम के बाद एक वेव सुनाई पड़ती है। अब देखिए क्या होता है, ये इस तरफ चलना शुरू करता है, इसने एक वेव निकाली, ये वेव निकाली और ये वेव एक सेकंड में कितनी दूर चली गई vt, ये एक सेकंड में vt दूर गई, उतनी देर में ये x दूर तक खुद भी चला। तो अगली बार जब ये वेव यहां एक सेकंड में पहुंचती है तो ये यहां पर नहीं है, ये यहां आ गया, x खुद आगे चला, ये यहां आ गया, तो यहां से इसने दूसरी वेव निकाली, तो पहली और दूसरी वेव के बीच का डिस्टेंस vt रहा या vt से कम हुआ, vt से कम हो गया क्योंकि इसने आगे एक कदम बढ़ा के वेव निकाली, तो इधर का डिस्टेंस कैसा हो गया कम। और इधर के डिस्टेंस के बारे में बात करिए, ये यहां से एक सेकेंड में ये t टाइम में कितना आया vt, लेकिन जब अगली वेव निकली तो ये x इधर चला गया, तो ये वाली वेव जो दूसरी निकलेगी पहली और दूसरी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा vt plus x। तो हमको जो डायग्राम मिलता है वो किस तरह का डायग्राम मिलता है, s तो ये एक सेकंड में n वेव्स निकालता और इसको कितनी फ्रीक्वेंसी मिलती n। अब क्या हुआ, ये आगे आ गया, अब एक सेकंड में इसको n वेव मिलेगी या ज्यादा मिलेगी, ज्यादा वेव्स मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस कम करते जा रहा है अपना और इसको ज्यादा नजदीक आ रहा है तो इसको ज्यादा वेव्स मिलती है, तो इसको वेव ज्यादा मिलती, जबकि ये एक सेकंड में n ही निकाल रहा है, पर यहां जो लिसनर है उसको ऐसा लगता है कि अभी वेव ज्यादा निकल रही है, ठीक है। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। अब इसी चीज को मैं आपको इसके वीडियोस में दिखाता हूं किस तरह से चेंज आता है, ये थोड़ा वन बाय वन करके इसको देखते हैं। डॉपलर इफेक्ट इज ए फिनोमेना, डॉपलर इफेक्ट इज ए फिनोमेना due to which frequency of a wave, appears to be different
appears to be different due to relative motion between source and observer. तो ये हो गया डॉपलर से, ठीक है? और आप इसमें याद क्या रखेंगे? What is the change in the frequency of sound given by the source? Answer: There is no change. Actual frequency में कोई चेंज नहीं होता. तो चेंज किसमें होता है? Apparent frequency में चेंज होता है, ठीक है? तो ये चेंज होने के बाद चेंज और वेलोसिटी, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? तो उसके लिए आप देखेंगे आपको बुक्स में बहुत से फॉर्मूलाज मिलते हैं, अलग अलग तरह के. कैसे फॉर्मूलाज मिलते हैं? सुनिए, एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर है. सोर्स ने एक फ्रीक्वेंसी निकाली 1000, ऑब्जर्वर इसके पास जा रहा है, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा? फॉर्मूला नंबर वन. ये दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा? फॉर्मूला नंबर टू. ये पास में आ रहा है, फॉर्मूला नंबर थ्री. ये दूर जा रहा है, फॉर्मूला नंबर चार. दोनों पास आ रहे हैं, दोनों दूर जा रहे हैं. ऐसा करके छह छह वेराइटी फॉर्मूलाज के नाम किए. आपको याद करना पड़ता है कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला याद करना. तो ये आपको इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखें बस. और उसको अप्लाई कैसे करना है वो तरीका एक बार आप मास्टर कर लेंगे तो आपसे हमेशा बनेगा. अब वो फॉर्मूला आप नोट करिए. वो फॉर्मूला है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश. तो मैं इधर लिखता हूं, हम लोग बार बार यूज करेंगे. न्यू डैश इज इक्वल टू, न्यू इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. बीच में एक फॉर्मूला आएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स. This is source and this is observer. Observer and source. उसको आप शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, O and S. ऐसा ही उसको याद रखिए. New actual frequency. New dash apparent V velocity of sound VO velocity of observer या listener BS velocity of source. ये इतनी सारी चीजें हैं और इसके साथ एक छोटा सा नियम है, एंड दैट इज नियम, वो जो है दैट इज वी कैन से इट इज ए कन्वेंशन ऑफ डायरेक्शन. साइन कन्वेंशन इसमें कैसे लेना है? जब भी इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने आता है, आप या तो डायग्राम बनाओगे या इमेजिन करोगे. इमेजिन करोगे तो उसमें एक वेलोसिटी जो सबसे पहले आपको मिलेगी वो है साउंड की वेलोसिटी. साउंड की वेलोसिटी हमेशा सोर्स से स्टार्ट होगी, लिसनर की तरफ जाएगी. सोर्स टू लिस्नर, वो डायरेक्शन या तो आपके राइट में होगी या लेफ्ट में जाएगी या ऊपर या नीचे किधर भी जाएगी, वो जो होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ साउंड और डायरेक्शन ऑफ वेव. ये कौन सी डायरेक्शन होती है? सोर्स टू ऑब्जर्वर इज टू बी टेकन as positive,
इसको हमने क्या लेना है, पॉजिटिव, ये हमारा गाइडलाइन हो जाएगी। उसके बाद कौन सी चीज किधर चल रही है उसकी वेलोसिटी के आगे रिस्पेक्टिव साइन आ जाएगा। अगर वो उसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी के आगे प्लस, और अगर वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी वेलोसिटी के आगे माइनस आ जाएगा। ऑल वेलोसिटीज विल कैरी साइन अकॉर्डिंगली। सिंपल, ठीक है, आपको ये एक छोटा सा नियम याद रखना है और सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स, याद है? ओके, तो अब हम इससे बनाकर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। नोट करिए, ए रेलवे इंजन approach a platform and puts out a siren with frequency 1000 hertz, frequency 1000 hertz. Its velocity is 54 kilometer per hour. 54 kilometer per hour. Kiski velocity hai? Yes, engine ki, and engine is the source. Isliye ye kiski hogi? Source. ठीक है, व्हाट इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय, व्हाट इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ए पैसेंजर ऑन द प्लेटफॉर्म, a passenger on the platform before engine arrives and after it leaves. तो इंजन वहां खड़ा नहीं होता है, आता है और चला जाता है, ठीक है? जैसे अभी आपने कार को सुना था, वो आपको निकालना है। तो पहले आप इसमें सारे फिगर्स की वैल्यू जो जो आपको मालूम है नोट कर लीजिए। न्यू कितना लेना है? 1000। वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये किसकी है? इंजन की। ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ये नहीं चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो कितना लेंगे? जीरो, ठीक है? और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमको पता करनी, बस। अच्छा, अब देखिए, हम इमेजिन करते हैं या डायग्राम बनाते हैं। ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर इधर से इंजन आता है और ऐसे क्रॉस करता है। इस सिचुएशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दिस इंजन इज अप्रोचिंग, दिस इंजन इज मूविंग अवे। व्हेन इंजन इज अप्रोचिंग, यहां सकता ये पहले बनाते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ साउंड, दिस इज द सोर्स, दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ साउंड, इसलिए हमारे लिए इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। अब शुरू करते हैं, यहां पे रखना, न्यू तो 1000 रहेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने नहीं लिखवाई है, नोट कर लीजिए 340, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ साउंड
is 340. So this is 340 minus velocity of observer, kya leni hai? Zero. Divided by velocity of sound 340 minus velocity of source. Source इसी तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है और उसकी वेलोसिटी एसआई सिस्टम में बताइए 15. यस करेक्ट, इसको हमने कन्वर्ट किया 15. ओके 15. चूंकि ये भी इस तरफ जा रहा है इसलिए इसका साइन भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है. सो दिस विल बी प्लस 15. ये वाला माइनस कौन सा माइनस है, ये फॉर्मूला था ठीक है, ये वैसे ही रहेगा, ये प्लस 15 आ गया. सो दिस इज 340 अपॉन 325 मल्टीप्लाइड बाय 1000. देखो जरा कैलकुलेटर से कितना है, 1 साउंड का सोर्स हमारे पास आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और जब हमसे दूर जाता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. इस तरह से हमें उसकी साउंड सुनाई पड़ती है, ये इफेक्ट कहलाता है डॉपलर्स इफेक्ट. नॉर्मली साउंड के कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन दोनों हमारे कान में उस फ्रीक्वेंसी से पहुंचते हैं जिस फ्रीक्वेंसी से इस सोर्स ने यहां से निकाला है. तो अभी जो सोर्स फ्रीक्वेंसी दे रहा है वही फ्रीक्वेंसी हमारे कान में आ रही है. और ये इसका एनिमेशन देखिए, ये रेड डॉट एक सोर्स है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऊपर नीचे होने की, वही फ्रीक्वेंसी हमारे कान में ब्लू डॉट में आती है और दोनों अपनी जगह पर खड़े हैं. तो एक सेकंड में जितनी बार एक ऑसिलेट करता है उतनी बार ही दूसरा ऑसिलेट करता है. और अब देखिए ये लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा है. रेड डॉट ब्लू डॉट ऊपर नीचे क्यों होता है फास्ट, क्योंकि डिस्टरबेंस वेव्स लेकर आती हैं, वेव्स डिस्टरबेंस लेकर आती हैं. तो जब भी वेव का क्रेस्ट आएगा ये बॉल ऊपर उठेगा और वेव का ट्रफ आएगा तो नीचे उठेगा. पर चूंकि अब ये ब्लू लाइन लेफ्ट की तरफ जा रही है इसलिए डिस्टरबेंस इस पर जल्दी जल्दी आते हैं. अब यदि हम रेड से पूछेंगे कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है साउंड की, तो वो वही बताएगा जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है. लेकिन अगर ब्लू से पूछेंगे कि तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो बोलेगा कि मेरी फ्रीक्वेंसी फास्ट है क्योंकि वो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जा रहा है. इसको हम कहेंगे एपेरेंट फ्रीक्वेंसी. और अब इसका उल्टा, ब्लू दूर जाता है. अगर ब्लू दूर जाता है, लिसनर ऑब्जर्वर दूर जाता है, तो डिस्टरबेंस उसके पास धीरे धीरे आते हैं. क्यों? डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहे हैं तो ब्लू लाइन भी आगे बढ़ रही है, इसलिए उसको पीक देरी से मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी कम है. तो इससे हमने एक प्रिंसिपल याद कर लिया कि अगर लिसनर सोर्स की तरफ मूव करता है तो उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगती है, इट अपियर्स टू बी मोर. एंड इफ द लिसनर इज मूविंग अवे देन अपियर्ड फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी अपियर्स टू बी लेस, क्योंकि एक सेकेंड में कम वेव्स उसको मिलती हैं. और उसका एक्सट्रीम केस देखिए, साउंड की स्पीड से ही लिसनर आगे दौड़ रहा है तो एक भी वेव का डिस्टर्बेंस उसका पीक तक नहीं पहुंच पा रहा है. ये वाला पीक पहुंचना चाहता है पर जो इसकी स्पीड है वही स्पीड लिसनर की है, दोनों की स्पीड एक है, तो ये वेव कभी उस लिसनर को पहुंच ही नहीं सकती है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी कुछ भी सुनाई नहीं पड़ती, यानी कि इसको साउंड सुनाई ही नहीं पड़ता. सो इफ ए लिसनर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ ए साउंड, दैट स्पीड इज कॉल्ड 1 मैक.
अगर वो उससे मूव करता है तो उसको साउंड सुनाई ही नहीं पड़ेगा। और अब यदि लिसनर खड़ा है और सोर्स चल रहा है तो क्या होगा? सोर्स की फ्रीक्वेंसी वही है लेकिन ये लिसनर से दूर जा रहा है। और अब आप देखिए, चूंकि वो दूर जा रहा है इसलिए उससे आने वाली वेव्स को ज्यादा टाइम लगता है ब्लू लाइन पर पहुंचने में। तो जो डिटेक्टर है, जो लिसनर है, उसके पास वेव्स स्लो पहुंचती हैं, तो उसको लगता है कि फ्रीक्वेंसी कम है। तो हमारा थंब रूल क्या बना? दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज इंक्रीजिंग, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिक्रीज, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। और इसके बाद जो फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूं। जब ये साउंड की तरफ जाता है, साउंड इसकी तरफ आता है, तो इसके कान में डिस्टर्बेंसेस जल्दी जल्दी आते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। और जब ये दूर जाता है यही साइकिल वाला, तो इसको एक एक डिस्टरबेंस को क्रॉस करना चाहता है तो डिस्टरबेंस भी आगे चला जाता है, इसीलिए बहुत देर बाद जाकर ये वेव को क्रॉस कर पाता है। तो एक सेकेंड में 7, 8, 9 ऐसे वेव ही होती हैं। जबकि हम जब दूसरा साइकिल देखते हैं जो कि वेव की तरफ आ रहा है, ये पहला साइकिल आ रहा है, और अब ये यहां से एक दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, ये दूसरा साइकिल यहां से लेफ्ट में जा रहा है, वेव्स राइट में जा रही हैं, तो जल्दी जल्दी इसको वेव्स मिलती हैं, तो इसको ऐसे लगता है कि एक सेकंड में इसके कान में ये 20 वेव आ गई, 22 वेव आ गई, तो इसको लगता है कि फ्रीक्वेंसी 24 है, और इस साइकिल वाले को लगता है कि फ्रीक्वेंसी 9 है, जबकि एक्चुअल वेव कितनी जनरेट हुई है? 17। एक सेकेंड में 17 वेव जनरेट हुई हैं। इस साइकिल वाले ने जो वेव की तरफ आ रहा था 24 वेव्स को क्रॉस कर लिया है, और ये साइकिल वाला जो वेव से दूर जा रहा था ये सिर्फ 9 को क्रॉस कर सका, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन में ही पहुंचता है। इस तरह से इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है 24, जो कि सोर्स के नजदीक आ रहा है, और जो सोर्स से दूर जा रहा है उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है 9। अब एक बार फिर इसे देखिए, वेव्स जनरेटेड एक सेकेंड में 17। अब दोनों साइकिल शुरू होते हैं, एक साइकिल दूर जा रहा है, एक साइकिल पास आ रहा है। जो साइकिल पास आ रहा है वो जल्दी जल्दी वेव को क्रॉस कर रहा है, जो साइकिल दूर जा रहा है उसको देर देर में वेव मिलती है। पास आने वाले ने 24 क्रॉस की और दूर जाने वाले ने सिर्फ 9 क्रॉस की। इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ी 24, इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ी 9, जबकि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 17। एंड दिस इज डॉपलर्स इफेक्ट। देखिए, डॉपलर इफेक्ट में वेव फ्रंट किस तरह से चलते हैं। ये सोर्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जिधर वेव फ्रंट बनते हैं सोर्स उधर आगे बढ़ता है, तो सोर्स नई जगह पर जाकर वेव फ्रंट बनाता है जो कि पुरानी वेव के नजदीक है। दैट मींस फिर से इसे देखिए, एक वेव उसने बनाई और खुद उसके नजदीक चला गया, फिर दूसरी वेव बनाई, फिर और नजदीक चला गया। तो एक तरफ राइट साइड में जिधर वो जा रहा है उधर की वेव्स तो एक दूसरे से क्लोज हो जाती हैं, और जो उसका बैक साइड है वहां की वेव्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि वेव फ्रंट कैसे चलता है जब डॉपलर इफेक्ट काम करता है। लेफ्ट साइड में वेव फ्रंट्स नजदीक हो गए और राइट साइड में वेव फ्रंट्स दूर दूर हो गए। 1046.5 आप देखेंगे थंब रूल हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उससे आप हर एक को चेक कर लेंगे। थंब रूल क्या है? इफ द डिस्टेंस इज कमिंग क्लोज देन फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज इंक्रीज। अगर चीजें नजदीक आ रही हैं
तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज होना ही है, और दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी को कम होना है। यहाँ पे इंजन और ऑब्जर्वर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, इसलिए आपका आंसर हमेशा 1000 से ज्यादा आना चाहिए। गलती से कम आ गया है, मींस कहीं फंडामेंटल मिस्टेक हुई। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ वी विल टेक द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर से इमेजिन करिए, अब इंजन यहां से यहां जा रहा है। अगर इंजन इधर जा रहा है तो शुरू से हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स राइट कि टुवर्ड्स लेफ्ट? यस करेक्ट। ये इंजन है और ये सुनने वाला है, तो सायरन यहां बजता है, इसको सुनाई पड़ता है, इसलिए हमारा पॉजिटिव ही बदल गया। अब पॉजिटिव इधर हो गया। इंजन की स्पीड कितनी है? 15 मीटर। और फिर से अब हम इसको सेट करते हैं। देखिए 340 माइनस 0 अपॉन 340 माइनस। अब सोर्स की वेलोसिटी क्या लिखनी है? सोर्स की वेलोसिटी, इंजन इधर जा रहा है, अगर इधर जा रहा है 15 से और हमने प्लस इधर माना है तो ये साउंड से उल्टा है, इसलिए इसका साइन क्या होगा? माइनस। सो दिस विल बी पुट एज -50 एंड दिस विल बी इक्वल टू 355 एंड दिस इज 340। ये आ गया, इसको करके देखिए कितना आता है। इस तरह से जब ये दूर जाएगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और जब ये पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। किस तरह से बढ़ा सकते हैं? इस पैसेंजर, ये जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इसकी जगह हम क्वेश्चन कैसा बनाएंगे? देयर आर टू ट्रेन्स क्रॉसिंग ईच अदर। There are two trains crossing each other. One switch on the siren, the other is the listener. This has got speed of 50, this has got speed of 60. So this driver is the listener. When they cross each other, what is the frequency heard by this driver before crossing and after crossing? Okay? इसको आप लोग try करिए, और उसमें दोनों बात, दोनों की डायरेक्शन चेंज होगी साउंड के अनुसार। तो आपको दो डायग्राम क्लियर बनाने हैं, कब किसको प्लस माइनस करना है उसको बनाना है, तो नोट कर लीजिए। टू ट्रेन्स ए एंड बी क्रॉस इच अदर, टू ट्रेन्स ए एंड बी क्रॉस इच अदर, ए विसर ए साइरन, A whistle a siren with frequency 1000 okay. A has a speed of 54 kilometer per hour. While B has a speed of 72 km per hour. Calculate frequency of siren. Calculate frequency of siren as heard by
as heard by passengers in train B. As heard by passengers in train B. Sound speed 340. Speed of the sound is 340. This will be plus direction क्योंकि sound A से निकल रहा है और B में जा रहा है. ये क्या है? A is approaching B. Cross करने के just पहले ये plus direction है. और अब हम शुरू करते हैं velocity of sound जिसको हमेशा positive लेना है 340 minus velocity of observer. Velocity of observer ये कितनी है? इस 20 में साइन क्या दे रहा है? माइनस. सो दिस विल बी माइनस 20 डिवाइडेड बाय 340 माइनस. ये क्या रहे है? प्लस के माइनस प्लस प्लस 15 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1000. कितना है? 1107.69. ठीक है. सो द वेलोसिटी एक चीज हमने चेक की थंब रूल से. दे आर अप्रोचिंग ईच अदर देयर फॉर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी मस्ट इंक्रीज. इंक्रीज हुई है. ओके अब केस टू. केस टू ए लीव बैक लीव्स बिहाइंड. ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है. बी ए ओके. साउंड किधर जा रहा है? तो साउंड हमेशा ए से बी क्योंकि सायरन ए में लगा है इसलिए ये साउंड की डायरेक्शन है. तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? प्लस. ओके ए की वेलोसिटी क्या है? 15 और इसकी 20. फिर से शुरू करते हैं 340 माइनस 340 माइनस. ओके नाउ ही इज द लिसनर 20. इसका वेलोसिटी 20 है प्लस की माइनस? प्लस के साथ है इसलिए प्लस. तो ये आ जाएगा प्लस 20. याद रखिए गलती से इस माइनस को प्लस नहीं करना है. यही गलती होती है. प्लस आएगा बोल के इसको प्लस कर देते. इसको प्लस नहीं करना. ये फॉर्मूला का माइनस है. आपको यहां अपना प्लस माइनस लगाना. ओके 340 माइनस इसके अंदर देखिए ये इसकी वेलोसिटी इधर है तो दिस विल बी माइनस 50. सो दिस विल बिकम प्लस. दिस विल बिकम माइनस. सो दिस इज 320 अपॉन 355 इंटू 1000. हाँ जी कितना आया? 901.41. ओके दिस वॉज 360 एंड 325. ये आए दोनों आंसर. इस तरह से आप दोनों की वैल्यू करके इसको बना सकते हैं. इसमें छोटा सा वेरिएशन और है. किस तरह है कि किसी किसी क्वेश्चन में ये भी बता देते हैं कि हवा चल रही है.
अगर हवा चल रही है यानी मीडियम इज ऑल्सो इन मोशन। अगर मीडियम यहां पर ए से बी इस तरफ चल रहा है ऐसा, तो आपको मीडियम का यहां पर दोनों में आपको मीडियम को वेलोसिटी के साथ ऐड करना पड़ेगा, प्लस विंड प्लस विंड, ये लिख लीजिए। एंड व्हाट इज डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर? विंड स्पीड। और उसके साइन के अनुसार विंड स्पीड को ले लेंगे। ये बहुत कम पूछा जाता है बट विंड स्पीड हैज एन इफेक्ट, इसलिए ये नहीं सोचना है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विंड स्पीड से फर्क पड़ता है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट देयर। अब इसके एक दो न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। ए रॉकेट इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। रॉकेट मूविंग 200 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए स्टेशनरी टारगेट, टुवर्ड्स ए स्टेशनरी टारगेट। इट एमिट वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। इट एमिट वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। Some of the sound reaching the target reflect back to the rocket. Reflect back to the rocket. Full stop. Calculate. Number one. Frequency as detected by the target. And frequency of the echo. Frequency of the echo as detected by rocket. Velocity of sound 330 dB बुक में दिया है, 330। तो पहला पार्ट क्या है, टारगेट को कितनी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ती है, कितनी आई? यहां पर 200 का साइन क्या होगा?
जब ये रॉकेट इधर से इधर जा रहा है तो 200 इसकी वेलोसिटी का साइन क्या लेना है? साउंड भी इस तरफ है और रॉकेट भी इस तरफ है, तो 200 का साइन क्या होगा? प्लस। तो यहां पर हमने लगा दिया प्लस और ये फॉर्मूला का माइनस है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो सोचिए। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका जो आप सोच रहे हैं, यहां से ये फ्रीक्वेंसी भेज रहा है कितनी? 2538 और ये इसकी तरफ से जा रहा है। अब ये क्या बना? फोर्स। ये क्या बन गया? ऑब्जर्वर। अब सोर्स और ऑब्जर्वर प्लस किधर है? इस तरफ। इसकी स्पीड किधर है? इस तरफ 200। तो अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा बताइए? 330 माइनस, अभी ऑब्जर्वर चलता है और ऑब्जर्वर कितनी स्पीड से चलता है? 200। 200 का साइन बताइए। गुड। दिस अपॉन 330 माइनस, क्योंकि अब ये खड़ा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाइड बाय 2538। बताइए कितना आया? 4076.18 हाँ जी, तरीका पसंद आया? अच्छा, दूसरा तरीका देखिए। ये सबको समझ आ गया? डायरेक्ट इस पर आइए। इस रॉकेट ने यहां साउंड भेजा, ये साउंड मुड़के ऐसे आया और रॉकेट के कान में पड़ता है। सोर्स कौन है? रॉकेट। उसको हमने सोर्स माना। लिसनर कौन है? रॉकेट। ठीक। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1000। देखिए मैं इसमें सेट करता हूं 1000। 330 माइनस, 330 माइनस। ऊपर किसको लेना है? ऑब्जर्वर को। ये ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, इस ऑब्जर्वर के लिए साउंड किधर आ रहा है? सामने से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका वेलोसिटी का साइन क्या होगा? माइनस की प्लस? माइनस, बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स साउंड। तो इसलिए इसको हम कितना लेंगे? माइनस 200। सॉरी, नीचे सोर्स होता है, मैंने गलत कर दिया। ऊपर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर माइनस 200। ये ऑब्जर्वर है, फिर से देखिए। यहां पर किसका वेलोसिटी आती है? ऑब्जर्वर। अभी ऑब्जर्वर कौन है? रॉकेट। रॉकेट इधर जा रहा है, वही ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर किधर जा रहा है? राइट में। ऑब्जर्वर को साउंड किधर से आता हुआ मिलता है?
इधर से आते हुए मिलता है, अपोजिट है, इसलिए इसकी वेलोसिटी का साइन क्या लेना है? नेगेटिव। इसलिए हमने वहां पे क्या लिया? -200। समझ आ गया? अब नीचे 330 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये है रॉकेट ही सोर्स है, ये साउंड की डायरेक्शन में जा रहा है कि साउंड की डायरेक्शन से उल्टा जा रहा है? साउंड की डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। तो इसीलिए इसको हम क्या लेंगे? आंसर इसीलिए प्लस लिया ना, नहीं साउंड की डायरेक्शन। रॉकेट को आप सोर्स मान रहे हो कि लिस्नर? दोनों मान रहे हो ना, तो आपके पास दो लोकेशन है, ये लोकेशन है सोर्स की और ये लोकेशन है लिस्नर की। जब लिस्नर मानेंगे तो यहां साइन डालेंगे, जब सोर्स मानेंगे तो यहां डालेंगे। समझ में आया? इज इट ओके? सोर्स किधर जा रहा है? दोनों तरह दिमाग मत दौड़ाओ। सोर्स किधर जा रहा है? साउंड के साथ की उल्टा? सोर्स किधर जा रहा है? राइट की लेफ्ट? राइट। साउंड किधर जा रहा है? सोर्स से निकल के, सोर्स से निकल कर साउंड किधर जा रहा है? राइट। सोर्स खुद किधर जा रहा है? राइट। दोनों एक जैसे हुए तो क्या साइन लगेगा? उस समय उसको मत सोचो, बीच में दूसरी सिचुएशन मत लाओ, और जब सुनने की बात आएगी तो ऊपर का मत सोचना, नीचे का सोचना। रॉकेट आगे जा रहा है, साउंड सामने से आ रहा है, उस समय इसको क्या लेंगे? माइनस। इसीलिए ऑब्जर्वर के समय माइनस और सोर्स के समय प्लस, ये हमने लिया। और थोड़ा इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है। वही आया है? यस। हाँ जी, सेम आता है, तरीका समझ आया? आप चाहे तो ऐसा करिए, चाहे तो ऐसा करिए। इसीलिए ये जो कॉम्पोजिट फॉर्मूला है, इसीलिए बहुत अच्छा है, आप एक स्टेप में कुछ भी बना सकते हैं, राइट। और आपको बार बार याद नहीं करने हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, -VO -VS, बस ठीक है। लेकिन डायरेक्शन वाला रूल आपको फॉलो करना है। अब इसमें एक डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड इज असिमेट्रिक, इसका मीनिंग समझिए। एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है, इसने फ्रीक्वेंसी निकाली 1000, इसको कितनी सुनाई पड़ेगी? 1000। ये इस तरफ जाता है 10 किलोमीटर या मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इसकी तरफ जाता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि दोनों नजदीक ही तो जा रहे। 10 मीटर फ्रीक्वेंसी बढ़ी, ये फ्रीक्वेंसी हो गई न्यू वन, इसको चलाया 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी फ्रीक्वेंसी बढ़ के हो गई न्यू टू। तो न्यू वन और न्यू टू ये दोनों इक्वल होंगे कि अलग अलग होंगे? फिर से, इसकी फ्रीक्वेंसी खड़े में है 1000, ये लिस्नर है, ये सोर्स है, दोनों केस में ये लिस्नर आगे बढ़ता है कुछ स्पीड से, वी स्पीड से, इसको सुनाई पड़ती है फ्रीक्वेंसी 1100। ये भी उसी, अब ये रुक गया, ये अभी भी साइरन बजा रहा है और ये उसकी स्पीड से ही आगे बढ़ता है वी स्पीड से, तो इसको 1100 फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी, कम सुनाई पड़ेगी या ज्यादा सुनाई पड़ेगी? क्यों? ये रिलेटिव स्पीड कितनी है? वी। ये भी रिलेटिव स्पीड कितनी है? वी।
ये इसके पास आ रहा है वी स्पीड से, ये भी इसके पास जा रहा है वी स्पीड से, डिस्टेंस कम हो रहा है वी स्पीड से, भले ये जाए भले ये जाए, तो फ्रीक्वेंसी का जो इंक्रीज होगा वो एक समान होगा कि अलग अलग होगा? अलग होगा। कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप? दोनों की स्पीड सेम है। देखिए हमारा मैकेनिक्स क्या कहता है, मैकेनिकल में हमने जितने भी सम्स किए हैं काइनेमेटिक में रिलेटिव मोशन में, कि दोनों का इफेक्ट एक ही होगा। अगर स्ट्रेन की स्पीड 50 है और इसकी स्पीड 20 है तो रिलेटिव स्पीड कितनी है 70। बीच में अगर एक ब्रिज आता है 70 मीटर का तो एक सेकंड में पार कर लेंगे। अगर इसकी 50 होगी इसकी 20 होगी तब कितनी देर में पार करेंगे? एक सेकंड में पार करेंगे। कोई अंतर है क्या? तो डॉपलर इफेक्ट में अगर इसकी स्पीड 0 है इसकी 20 है, इसकी 0 है और इसकी 20 है, तो क्या फ्रीक्वेंसी अलग अलग सुनाई पड़ेगी? नहीं सुनाई पड़नी चाहिए, लेकिन सुनाई अलग अलग पड़ती है। काइनेमेटिक के नियम से अलग अलग सुनाई नहीं पड़नी चाहिए लेकिन अलग अलग सुनाई पड़ती है। ये जो इफेक्ट है दिस इज नोन एज असिमेट्रिक इफेक्ट, कि इधर से चलेगा और इधर से चलेगा तो दोनों का इफेक्ट सिमेट्रिकल नहीं होता, अलग अलग होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक इफेक्ट। अब इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जैसे न्यू डैश केस नंबर वन। केस नंबर वन में मान लीजिए ऑब्जर्वर चलता है, ऑब्जर्वर चलता है तो ये कितना होगा? v माइनस वी ओ डिवाइडेड बाय v, क्योंकि v सोर्स नहीं चल रहा है, इंटू फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये है, ये जो है v ऐसा चलेगा और अभी कौन चल रहा है? ऑब्जर्वर ऐसा चलता है तो उसकी वेलोसिटी का साइन कैसा होगा? साउंड ऐसा जा रहा है, ऑब्जर्वर ऐसा चल रहा है तो कैसा होगा? माइनस। वो इसके सामने माइनस आएगा और ये माइनस इसको क्या बना देगा? प्लस। ये दो स्टेप मैंने एक ही बार में ले लिए, समझ आ गया? माइनस माइनस। ये कब आ गई वेलोसिटी? व्हेन व्हाट इज मूविंग? ऑब्जर्वर इज मूविंग। अब फ्रीक्वेंसी नंबर टू, व्हेन सोर्स इज मूविंग, वी प्लस जीरो डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। वी एस सोर्स है, सोर्स उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर साउंड जा रहा है, इसीलिए इसका साइन क्या होगा? प्लस। तो प्लस इनटू माइनस माइनस, ऐसे ही है। अब जितनी वेलोसिटी से हमने पहले ऑब्जर्वर को दौड़ाया था उतनी वेलोसिटी से अभी सोर्स को दौड़ाया है, तो ये दोनों हमारे लिए एक ही जैसी है, वी डैश वी डैश। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमको कब मिलती है? जब कौन दौड़ रहा है? सोर्स। ये फ्रीक्वेंसी कब मिलती जब कौन दौड़ रहा है? दोनों की वेलोसिटी कैसी दौड़ने की? सेम, राइट। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एक समान है कि अलग अलग है, दोनों एक्सप्रेशन, दोनों में ये तो एक समान है, ये तो कैंसल हो गया। अब बताइए इन दोनों में ये दोनों एक समान है, कोई एक बड़ा है एक छोटा है? अगर ऐसा है तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है? न्यू वन बड़ा है और न्यू टू? कैसे प्रूफ करेंगे? अरे वाह, क्या नियम लगा रहे हैं आप लोग? कोई नियम कानून है इस देश में कि नहीं, या मेरा मन कहता है? क्या तरीका है? वेरी गुड, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो आप फैसला कैसे करेंगे? अगर
हाँ न्यू वन अपॉन न्यू टू नहीं सुनिए मैथमेटिक्स का रूल जो आप बोल रहे हैं मैं उसको शॉर्टकट कर रहा हूं वन अपॉन वन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो दोनों को डिवाइड करने से वन से बड़ा आएगा कि छोटा डिसाइड हो जाएगा समझ आया दूसरी चीज सुनिए अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दें माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा अगर वो रिमाइंडर पॉजिटिव है तो पहला वाला बड़ा है ठीक है डिवाइड करने वाला लीजिए क्योंकि हमको नहीं मालूम कि कोई क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकती है हालांकि नहीं है दोनों वेलोसिटीज है दोनों पॉजिटिव दोनों फ्रीक्वेंसीज है दोनों पॉजिटिव तो आप चाहे तो माइनस से कर सकते हैं चाहे डिवाइड से कर सकते हैं तो डिवाइड करिए न्यू वन अपॉन न्यू टू इज इक्वल टू v plus v dash upon v divided by v upon v minus v dash. This is equal to v square और ये ऊपर चला जाएगा v square minus v dash square. हाँ जी कुछ बात बनी अभी भी डाउट है क्या अरे अब क्यों डाउट है नीचे कौन है वी स्क्वायर और ऊपर में वी स्क्वायर से हाँ जी तो कौन छोटा है ऊपर और नीचे में न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्वांटिटी लेस देन वन है कि मोर देन वन लेस देन वन ये छोटा है ये बड़ा है इसलिए इसमें यस न्यू वन छोटा और न्यू टू बड़ा तो न्यू वन कम फ्रीक्वेंसी होगी और न्यू टू ज्यादा फ्रीक्वेंसी ठीक है तो तरीका समझ में आया तो ये क्या शो करता है कि इफेक्ट इसका कैसे होता है असिमेट्रिक इफेक्ट होता है ठीक है तो ये डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी चीजें और न्यूमेरिकल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डॉपलर्स इफेक्ट पे न्यूमेरिकल जरूर आता है एग्जाम में तो अभी आपने दोनों तीनों तरह से कर लिए उससे और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा और भी आप प्रैक्टिस करिए रिफ्लेक्शन वाले आपको और मिलेंगे कुछ और भी इसमें कॉम्पिटिटिव में इसमें एडिशन कर देते हैं कैसे एडिशन कर देते हैं दो स्ट्रिंग है दोनों स्ट्रिंग का कुछ टेंशन है मास है दोनों को हमने बजाया नहीं सॉरी वो तो बीट्स आएगा अगर दोनों में बीट सुनाई पड़ती है तो एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे की फ्रीक्वेंसी से कम या ज्यादा इस तरह से होगी दो हजार क्वेश्चन फॉर बीट्स डॉपलर इफेक्ट के भी इसी तरह के ही आपको आएंगे तो कुछ प्रैक्टिस करके देखिए बुक में से अगर कोई नहीं बनता है तो उसको लेकर आइए क्लास में